सिवान को कतई गोरखपुर बनने नहीं देंगे, और बल्कि सिवान के बल पर हम गोरखपुर को भी ठीक करेंगे, पूरे पूर्वांचल को ठीक करेंगे, और यहाँ से इंसाफ की आवाज़, किसानों की आवाज़, नौजवानों की आवाज़, सामाजिक न्याय की आवाज़, आरक्षण के लिए हमारे आंदोलन की आवाज़, वो दिल्ली तक जाएगी। ये एजेंडा है और मैं समझता हूँ कि इस बार जरूर सिवान की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। और अमरनाथ भाई, अमरनाथ तो सर, बीजेपी का चेहरा जो है जेडीयू से अच्छा मानते हैं आप? बीजेपी का चेहरा जेडीयू से अच्छा मानते हैं? ये हमने कहा अभी सर बोले हैं कि जेडीयू का अच्छा चेहरा नहीं है। नहीं, हमने कहा जो नारा है जो नीतीश कुमार का, सच्चा और अच्छा, हमने कहा यहाँ जेडीयू वो नहीं है नीतीश कुमार, यहाँ टेक्निकली तो जेडीयू के नाम पर टिकट है लेकिन उसका जो चेहरा सामने है वो देख लीजिए, ये उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने जो वहाँ पैदा किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, वही सिवान में लाने की। सर, यहाँ लड़ाई आपसे किनसे? पूरे देश में लड़ाई एक है, भारतीय जनता पार्टी से, मोदी अमित शाह के राज से देश को मुक्त करने का लड़ाई है, सिवान में भी वही लड़ाई। सर, तब राजद लड़ाई से बाहर है क्या सिवान में? अब ये तो राजद वालों से आप पूछें, राजद भी यहाँ है लड़ाई में, लेकिन हमारी समझ से लड़ाई बहुत सीधी है और वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, एनडीए गठबंधन के खिलाफ, मोदी अमित शाह, मोदी जोगी, ये जो राज है और वो सिवान में उसको स्थापित करने की जो पूरी कोशिश है, साजिश है, इसके सर कुछ सीटों पर आपकी आरजेडी से गठबंधन है, लेकिन सर शुरू से आप लोग शहाबुद्दीन के विरोध में लड़ाई रहे हैं, तो फिर ये गठबंधन कैसा राजद से, ये नहीं समझ में आ रहा है। नहीं तो राजद का मतलब सिर्फ शहाबुद्दीन तो नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ सिवान की पार्टी नहीं है, लेकिन सिवान में कोई गठबंधन नहीं है, सिवान में कोई गठबंधन नहीं है। और आज पूरे देश में, बिहार में भी आप देख रहे हैं कि जो राजद के साथ तालमेल हमारा हुआ है वो बहुत सांकेतिक है, एक सीट पर उन्होंने हमारे खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा और हमने भी पाटलिपुत्र से राजद को समर्थन देने की घोषणा की है। और जहाँ तक पूरे देश की बात है, ये हमारी अपनी राजनीतिक समझ है कि इस बार देश की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, एनडीए से है, और हिटलरशाही को समाप्त करके लोकशाही को मजबूत करने की लड़ाई है। इसलिए हमने अपने स्तर पर ये निर्णय लिया, जहाँ पिछले चुनाव में अकेले बिहार से हमारे 23 उम्मीदवार थे, इस बार पूरे देश में हमने सिर्फ 22 उम्मीदवार उतारने का काम किया। सिवान में सर तो आरजेडी से लड़ाई है? नहीं, सिवान में आरजेडी भी लड़ाई में है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमारी लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, एनडीए गठबंधन के खिलाफ है, और पूरे और आज उसी तरह से जो है भी हिंदू मुस्लिम एकता का अगर हम नारा देते हैं तो वहाँ राजद्रोह का कानून थोपा जाता है। इसलिए आज तो हिंदू मुस्लिम एकता, भाईचारा, ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश को कमज़ोर, अगर हम देश को बांट देंगे धर्म के नाम पर तो ये देश मजबूत कैसे होगा, देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो जो लोग देशभक्ति की बात करते हैं और देश के अंदर हिंदू मुसलमानों के बीच में आपस में फूट डालने, नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, मैं समझता हूँ कि ये तो देशद्रोही ताकत है, यही तो सबसे लोग हैं जो देशभक्ति के खिलाफ, देश की एकता के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं। इसलिए सांप्रदायिकता महज कोई एक दंगा का मामला नहीं है, ये दंगा हिंसा तो है ही, लेकिन देश को कमजोर करने वाला सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी राजनीति है सांप्रदायिकता की, और इसीलिए उसको मैं समझता हूँ कि देश के लोग शिकस्त देंगे। आज किसान एकताबद्ध हुए हैं, आज मजदूर एकताबद्ध हो रहे हैं, नौजवान एकताबद्ध हो रहे हैं, पूरे देश के दलित और पिछड़े आरक्षण को बचाने के लिए, SC ST एक्ट को बचाने के लिए, और जो 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम ला करके विश्वविद्यालयों से, कॉलेजों से तमाम दलित पिछड़े अध्यापकों को बाहर करने की जो साजिश चल रही है, इसके खिलाफ लड़ाई आज छिड़ गई है, और इस लड़ाई में कहीं से कोई हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, ये लड़ाई देश की एकता और आवाम के अधिकारों की।